लिपि वैज्ञानिकों ने बताया कि हमारी वर्णमाला के सुंग काल से पहले र था ही नहीं, तो आप समझ जाइए कि ऋषि और ऋग्वेद कितने पुराने हैं। बुद्धं शरणं गच्छामि। जय हिंद दोस्तों, मैं रजत मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं बहुजन साहित्य के इस विशेष कार्यक्रम किताब पर चर्चा में, जहां हम चर्चा करते हैं बहुजन लेखकों द्वारा लिखी गई किताबें और बहुजन मुद्दों पर केंद्रित किताबों पर। आज हम जिस मुद्दे पर चर्चा करेंगे उसके बारे में आपने बहुत कुछ सुन रखा होगा, उसका नाम है वेद या फिर वेद काल। इसके ऊपर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह अपनी किताब इतिहास के मुआयने में कुछ टिप्पणियां करते हैं, उन्हीं के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। अगर आप लोगों को वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियोस को शेयर जरूर किया करें, उनको लाइक किया करें, कमेंट किया करें। आपके ऐसा करने से मुझे कोई पैसे नहीं मिल जाएंगे, मैं रातों रात कोई करोड़पति खरबपति अरबपति नहीं हो जाऊंगा, लेकिन आपके इन सारी प्रैक्टिस से मुझे प्रोत्साहन मिलेगा, मैं और अच्छा कंटेंट आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। इतिहास का मुआयना बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह, इस किताब का रिव्यू किया जा चुका है, उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा, वहां से जाकर इस किताब का रिव्यू देखिए। इस किताब के ऊपर भी कुछ वीडियोस मैंने बनाए हैं, तो आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। आप लोग सर्च कर लीजिएगा बहुजन साहित्य इतिहास का मुआयना, तो वो सारे वीडियोस आप लोग के सामने आ जाएंगे। वैदिक काल के नाम से एक चैप्टर है और उसमें राजेंद्र प्रसाद सिंह जी लिखते हैं, आप जो कह रहे हैं कि सृष्टि की आरंभ से ही वेदों की रचना हो गई थी, तो यह सिर्फ हवाबाजी है, असंभव। वेद आदिम सभ्यता की नहीं बल्कि एक संगुफित जटिल और पेचीदा सभ्यता की रचना है। वेदों की ध्वनि इतनी संगुफित जटिल और पेचीदा है कि अप्रशिक्षित जीव इनका उच्चारण कर ही नहीं सकती। इनकी जटिलता और पेचीदगी का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि सिर्फ वेद मंत्रों के शुद्ध उच्चारण के लिए 65 शिक्षा ग्रंथों की रचना हुई थी। आप समझ रहे हैं, एक ऐसी भाषा जिनके वेदों के शुद्ध उच्चारण के लिए 65 ग्रंथों की रचना की गई, उनको उन ग्रंथों को लिखा गया, तो वो जो भाषा है वो आम जनमानस की भाषा कैसे हो सकती है। उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, उसका भी मैं लिंक आपको ऊपर आई बटन पे दे दूंगा, आप वो वीडियो भी देखिएगा, जहां पर मैंने बहुत साइंटिफिकली तरीके से समझाने की कोशिश की है कि जो संस्कृत भाषा है वो आम लोगों की भाषा हो ही नहीं सकती, और उसके ऊपर कुछ मैंने साइंटिफिकली फैक्ट्स भी आपके सामने रखे हैं, तो उस वीडियो को आप देखिए, ऊपर आए बटन पर उसका लिंक मिल जाएगा। ध्वनियों का मानक एक सटीक उच्चारण की खोज में अप्रशिक्षित जीव सदियों से भटकी होगी। आदिम सभ्यता के आरंभ से जाने कितने वर्षों तक जीव की नोक कभी मूर्धा कभी तालु तो कभी दांत को टटोलती रही है। वेदों पर टिप्पणी करते हुए लिखते हैं, आदिम समाज की रचना नहीं है वेद, आप भ्रम में हैं। वेद एक बेहद जटिल और पेचीदा समाज की रचना है, वह आदिम मस्तिष्क की नहीं बल्कि एक घुमावदार मस्तिष्क की उपज है। वेद भाषा का प्रत्येक संस्थान अर्थात ध्वनि तंत्र और शब्द जाल से लेकर वाक्य विन्यास तक चीख चीख कर गवाही देता है कि वह चरवाहों गडरियों और कबीलियों लोगों की भाषा नहीं है, मतलब बहुजन समाज की भाषा नहीं है। इतिहासकार एक घुमाव फिराव वाली सभ्यता को आदिम और कबीलियाई सभ्यता का अवशेष मानकर घोड़े की हड्डियां गिनना बंद करे, ये एक तंज है। आप तो जानते ही होंगे कि वेद व्यास में कुल मिलाकर 18 पुराण लिखे हैं, 18 पुराणों में से एक 11वां पुराण है भविष्य पुराण। भविष्य पुराण में मुगल भी हैं, तुलसीदास भी हैं और महारानी विक्टोरिया का राज्यारोहण भी है। निष्कर्ष, या तो अंग्रेज व्यास युग में आए थे या तो वेद व्यास अंग्रेज काल में आए थे। ये भी एक तंज तरह का है कि जब पुराण इतने हजारों साल पहले लिखे गए हैं तो फिर उसमें महारानी विक्टोरिया का राज्यारोहण का एक संदर्भ कैसे आ सकता है, या मुगल काल के बारे में कैसे उसमें लिखा हुआ है, या फिर तुलसीदास के बारे में उसमें कैसे लिखा हुआ है, ये असंभव चीज है। इतिहासकार ने बताया है कि प्राचीन काल में जाति व्यवस्था का ढांचा श्रम विभाजन के आर्थिक सिद्धांत पर खड़ा था। आप बताइए कि जो जातियां कोई श्रम नहीं करती हैं, जो दूसरे के श्रम पर जीवित हैं, उनकी जाति कैसे बनी। डॉक्टर राजेंद्र सिंह सर सीधे तौर पर ब्राह्मण जाति को निशाने पर ले रहे हैं, और जो तथाकथित जो स्वर्ण कैटेगरी के जो लोग हैं या स्वर्ण समाज के जो लोग हैं, जो परजीवी हैं, क्योंकि जो आप देखेंगे कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य बहुत ज्यादा कोई काम नहीं करते, उनका कोई प्रोडक्शन में कोई उनकी भागीदारी नहीं है, जितना बहुजन समाज है वो प्रोडक्शन करता है, वो बहुत जरूरी इसेंशियल वर्क करता है। आप देख लीजिए कोई भी आप
बहुजन समाज किस तरह का प्रोडक्शन करता है, किस तरह की उनकी साइंटिफिक टेम्परामेंट है, उसके ऊपर मैंने वीडियोस बनाए हैं। एक बेहतरीन किताब है हिंदुत्व मुक्त भारत, ये किताब इसका भी रिव्यू किया जा चुका है, तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा, वहां से लेकर आप रिव्यू देखिए। पूरी सीरीज है इसके ऊपर, किताब के ऊपर मैंने बताई है, जिसमें आपको पता चलेगा कि किस तरीके से बहुजन समाज के जो लोग थे, जो हमारे जो पूर्वज थे, वो कितने साइंटिफिक थे और किस तरीके से उन्होंने आरंभिक वैज्ञानिक सिद्धांतों की नींव रखी थी। पुराण का अर्थ होता है बहुत पुराना, एकदम प्राचीन काल या जीन शीन। इसका नाम ही साबित करता है कि पुराण बहुत पुराने नहीं है। जिस समय पुराण लिखे गए होंगे उस समय तो पुराण नए होंगे, मगर लेखक ने चालाकी करते हुए इसका नाम पुराण रख दिया ताकि लोग भ्रम में इसे बहुत पुरानी समझें। नए को बहुत पुराना होने का भ्रम पैदा करने के लिए इन पुस्तकों का नाम पुराण रखा गया है। इस चीज को समझिए, ये साइकोलॉजी के ऊपर किस तरीके से इन लोगों ने हमला किया है कि एक किताब का नाम जो आज के समय पर लिखी गई है, अब जिस समय वो लिखी जा रही है वो उस समय तो के लिए तो वो नहीं होगी ना, वो उस समय के लिए कैसे पुरानी हो सकती है, लेकिन उनका नाम ही उन्होंने पुराण रख दिया और जिससे कि लोगों को लगे कि ये बहुत पुरानी है। वैदिक भाषा की प्राचीनता की दुहाई देते हुए आप जो पपीहे की तरह सिंधु घाटी की रट लगाए हुए हैं, तो जान लीजिए कि वैदिक भाषा में पत्थर और तांबे पर लिखे की बात छोड़िए, मिट्टी पर भी लिखा हुआ आज तक कहीं से कोई ठीकरा भी नहीं मिला है। वैदिक भाषा या संस्कृत भाषा जैसे बहुत पुराना बताया जाता है, उसके ऊपर टिप्पणी करते हुए लिखते हैं कि आज तक की डेट में उसका कोई भी प्राचीन साक्ष्य नहीं मिला है। इतिहासकार जैसे वायु पुराण को गुप्तकाल का मानकर गुप्तयुगीन जनजीवन के चित्रण में इस्तेमाल किया है, वह वस्तुतः 14वीं-15वीं सदी का है। वायु पुराण में गयासुर का मिथक वर्णित है। LSS ओमेली ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक गया में लिखा है कि गयासुर का मिथक 14वीं-15वीं सदी का है। गयासुर का मिथक गया के गयावाल पंडो ने गढ़ा है। गयावाल पंडे मध्यकाल के मध्यावाचार्य के समय के हैं और उन्हीं के समर्थक हैं। जब गयावाल पांडे ही मध्यकालीन हैं, तब गयासुर का मिथक प्राचीन कैसे हो जाएगा, और जब गयासुर का मिथक ही मध्यकालीन है तब वायु पुराण गुप्तकालीन कैसे हो जाएगा। इतिहासकारों को गुप्तकालीन जनजीवन के चित्रण में वायु पुराण का इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं जो कलम के कसाई हैं, उन्होंने भारत के इतिहास में इतनी घालमेल करी है जिसकी भी हद नहीं। वैदिक युग सही मायने में इतिहास का टर्मिनोलॉजी ही नहीं है, कहीं पड़े हैं बाइबल युग, कुरान युग। आप इस चीज को समझिए कि पूरी दुनिया में कहीं आपको बाइबल युग नहीं पढ़ाया जाता, कहीं आपको कुरान युग नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन भारत के अंदर आपको वैदिक युग पढ़ाया जाता है। वेद लिटरेचर है, हम उसको एज अ लिटरेचर एक्सेप्ट कर सकते हैं, पर उसको आप एक युग के रूप में पढ़ा दिया जाता है, इतिहास के रूप में पढ़ा दिया जाता है, ये संभव नहीं है और ये सही नहीं है। यह कैसा इतिहास लेखन है कि जिन वेदों के खुद का ही ऐतिहासिक साक्ष्य प्राप्त नहीं है उन्हें ही ऐतिहासिक साक्ष्य मान लिया गया। ये सवाल पूछा जा रहा है क्योंकि इस किताब के अंदर बहुत सारी ऐसी टिप्पणियां हैं जहां पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सर सवाल पूछ रहे हैं, और ये सवाल सभी से पूछा जा रहा है, किताब के माध्यम से सबसे पूछा जा रहा है कि इसके ऊपर सोचिए, क्योंकि जब तक आप सोचोगे नहीं, मंथन नहीं करोगे, तब तक किसी चीज का निष्कर्ष कैसे निकलेगा। ये सवाल अपने आप से पूछिएगा कि जिनका कोई ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं है उनको बतौर इतिहास पढ़ाया जा रहा है और उन्हीं को ऐतिहासिक साक्ष्य भी माना जा रहा है। गौतम बुद्ध ने वैदिक साहित्य का विरोध ही नहीं किया था, बल्कि वैदिक साहित्य ही गौतम बुद्ध के विरोध में लिखा गया है। इसके सबूत आपको रामायण में भी मिल जाएंगे। रामायण में भी एक श्लोक है जहां पर बुद्ध का विरोध किया गया है। उस श्लोक की मेरे पास अगर कहीं उसका कटिंग रखी होगी तो मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पर लगा दूंगा, आप वो पढ़ लीजिएगा। बुद्ध का साहित्य पढ़ेंगे तो बुद्ध ने कहीं वेद शब्द का ही इस्तेमाल नहीं किया। अगर आप किसी की आलोचना कर रहे हैं तो फिर कैसे संभव है कि आप बिना उसके नाम लिए ही आलोचना करे जा रहे हैं। ये संभव नहीं है कि अगर आप किसी का विरोध कर रहे हैं तो आप उस इंसान उस किताब का नाम तक ना लें। बुद्ध अगर वेद का विरोध करते तो कहीं ना कहीं एक बार तो वेद शब्द का इस्तेमाल करते, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन रामायण में आपको बुद्ध शब्द का प्रयोग मिल जाएगा, और भी कई सारी जगह कई सारे रेफरेंसेज हैं, उसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, वो आप लोग देख लीजिएगा कहां कहां पर बुद्ध शब्द का इस्तेमाल हुआ है, जो संस्कृत का जो जितना लिटरेचर है जिन्हें वैदिक वेद कहा जाता है या रामायण महाभारत जो भी कुछ है। ऋग्वेद में वर्णित किसी भी चीज के अवशेष तो धरती पर मिलते नहीं है, न सिक्के मिलते हैं, न इंद्र के सभा भवन की ईंटें मिलती हैं, न कुएं मिलते हैं और न ही किसी युद्ध के शस्त्र मिलते हैं।
ये अपने आप में आप लोगों की सोचने वाली बात है कि अगर जो थे, अगर हकीकत में कुछ था तो उसके अवशेष तो मिलने चाहिए ना। आप पूरी भारत में कहीं भी खोदें तो आपको बुद्ध जरूर मिलेंगे। बुद्ध हकीकत में थे, बुद्ध का इतिहास है और इनकी कपोल कल्पित कथाएं हैं, काल्पनिक कथाएं। इतिहासकार बेचारे बने हुए हैं भारत के किसी भी कोने में। जब भी पता चलता है कि कोई नई सभ्यता मिली है तब इतिहासकार उसे ऋग्वेद से जोड़ने का प्रयास करते हैं मगर जोड़ नहीं पाते। आप पांडुलिपि की बात करते हैं तो ऋग्वेद की ईसा पूर्व की पांडुलिपि है कहाँ, या मृत जैविक वस्तु मिलती कहाँ है कि कार्बन डेटिंग कीजिएगा, मतलब उनका कोई साक्ष्य नहीं मिलता जिससे कि उसकी हम कार्बन डेटिंग करके और उसकी क्या उम्र है या कितने साल वो पुरानी है उस चीज का हम पता लगा सकें। पांडुलिपि तो बहुत दूर की वस्तु है, ईसा पूर्व का कोई अभिलेख भी नहीं मिलता जिस पर वेद जैसा कोई शब्द लिखा हो। अशोक के अभिलेखों में वेद शब्द सिरे से गायब है। वेदों का समय बताया जाना अभी तक मौखिक है, अभी तक कोई लिखित प्रमाण नहीं है। ये जितने भी लोग बोल रहे हैं कि वेद पुराने पुराने वो सिर्फ मौखिक है। जो आर्य और द्रविड़ों की जो थ्योरी है उसके ऊपर तंज करते हुए पेज नंबर 66 पर लिखते हैं डॉक्टर राजन प्रसाद सिंह सर, कौन आया किसके देश में, कौन हुआ गैर। आर्य आए थे द्रविड़ों के देश में तो आर्य हुए अद्रविड़ या द्रविड़ेतर, द्रविड़ क्यों होंगे अनार्य या आर्येतर, ये उल्टा है भाई। ऋग्वेदिक काल को पोटेशियम आर्गन KAR विधि से मापा नहीं जा सकता, कारण कि यह विधि 1,00,000 वर्ष से 50 अरब वर्ष तक के समय के लिए उपयोगी है। रेडियो कार्बन विधि भी ऋग्वेदिक काल को जानने के लिए इसलिए अनुपयोगी है कि उसमें वर्णित कोई मृत जैविक वस्तु अभी तक मिली नहीं है। अब तो पुरातात्विक अध्ययन में एक्सेलेटर मास स्पेक्ट्रोमीटर का उपयोग शुरू हो गया है जिसमें 1,00,000 वर्ष पुरानी जैविक वस्तुओं का तिथि निर्धारण किया जा सकता है, मगर ऋग्वेद में वर्णित कोई जैविक वस्तु मिले तब तो ऐसा किया जा सकता है। ऋग्वेद के प्रमुख देवता अग्नि है मगर ऋग्वेदिक साक्ष्य के संदर्भ में आग में पकाई हुई कोई वस्तु भी तो नहीं मिलती कि पुरातत्व वेता थर्मोल्यूमिनिसेंस TL विधि का उसमें प्रयोग करें। यदि एक ही स्थल से विभिन्न अस्थि अवशेष भी मिल जाते तो काल निर्धारण में सुविधा होती, मगर वे भी नहीं मिलते। वरना क्लोरीन, नाइट्रोजन और यूरेनियम की घटती बढ़ती मात्रा से पुरातत्व वेता कुछ निष्कर्ष निकाल सकते थे। कुल मिलाकर ऋग्वेद का समय निर्धारण के लिए खगोल शास्त्र, भाषा कलाक्रम, विज्ञान, साहित्यिक साक्ष्य और जनश्रुतियां ही मूल आधार बचते हैं। खगोल शास्त्र, साहित्यिक शास्त्र और जनश्रुतियां थोड़ा तरल प्रमाण है, शेष बचता है भाषा कालक्रम विज्ञान। भाषा कालक्रम विज्ञान के समक्ष समस्या यह है कि वैदिक संस्कृत वर्तमान में बोली नहीं जाती है, इसलिए यह भी विफल है। अब आप ऋग्वेद का काल प्रमाणिक तौर पर कैसे निर्धारित कर पाएंगे, इसलिए इसके समय को लेकर सैकड़ों हजारों और लाखों वर्ष तक के फासले पर विवाद है। ऋग्वेद का काल निर्धारण इतिहासकारों की मनमानी करने के लिए विशाल संभावनाओं का क्षेत्र है। अब इस चीज को समझिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह ने इतनी सारी विधियां यहाँ पर कोट की हैं कि उनके द्वारा किसी भी काल का निर्धारण किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए जो सपोर्टिव एविडेंस जो चाहिए वही नहीं मिलते हैं, किसी भी तरह की कोई भी एविडेंस नहीं मिलते हैं। तो उसके माध्यम से किस तरीके से प्रूव होता है कि जो ऋग्वेदिक काल जो है वो बहुत पुराना है, इसका कोई साक्ष्य नहीं है, पर ये मौखिक केवल कपोल कल्पित कथाएं सुनाते जाते हैं और हम लोग सुनते जाते हैं, और बहुजन तबके के लोग तो आजकल कुछ ज्यादा ही सुन रहे हैं। ऋषियों को ऋग्वेद को प्राचीन साबित करने के चक्कर में बतौर औजार र का आविष्कार हुआ है। र का आविष्कार तो बहुत बाद में किया, लेकिन उसे र को बहुत प्राचीन साबित करना था, सो र को बहुत प्राचीन साबित करने के लिए आविष्कारक ने एक साजिश रची और उसने बगैर सोचे समझे इसे ले जाकर वर्णमाला के स्वरों में बिठा दिया। ऋषि में जो र लगता है ना आने, वो उस र की बात कर रहे हैं। र को वर्णमाला के स्वरों में उसने इसीलिए बिठाया ताकि यह कहा जा सके कि यह बहुत प्राचीन ध्वनि है, तब की है जब इसका उच्चारण स्वर की भांति होता था। मगर र का उच्चारण, हो सकता है मैं इसका उच्चारण गलत कर रहा हूँ तो प्लीज इसको अवॉइड कीजिएगा, मगर र का उच्चारण स्वर की भांति कभी नहीं होता था, सबूत भी नहीं है, इसमें स्वर का कोई गुण नहीं है, पहले भी नहीं था और आज भी नहीं है। र का आविष्कारक ऋषियों को ऋग्वेद को कई मामलों में आधा अधूरा बहुत प्राचीन साबित करने में तो सफल हो गया, मगर दुनिया की भाषा वैज्ञानिक को हैरत में डाल गया। आज सभी भाषा वैज्ञानिक कहते हैं कि र का उच्चारण बहुत प्राचीन काल में स्वर के भांति कैसे और कहां से होता था,
हमें नहीं पता। अभिलेखीय साक्ष्य बताते हैं कि र प्राचीन ध्वनि नहीं है तो जाने क्यों भाषा वैज्ञानिक इसे प्राचीन मानने पर तुले हुए हैं। लिपि वैज्ञानिकों ने बताया कि हमारी वर्णमाला के शुंग काल से पहले र था ही नहीं, तो आप समझ जाइए कि ऋषि और ऋग्वेद कितने पुराने हैं। फिर इसके पहले ऋग्वेद लिखे जाने का सवाल ही कहां पैदा होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि जो मैंने जानकारी आपके साथ साझा की है, पूरा एक चैप्टर मैंने आपको पढ़कर बता दिया इस वीडियो में। उम्मीद करता हूं कि वेद के संदर्भ में जितने भी मिथ जो मार्केट में घूम रहे हैं, जितने भी दुष्प्रचार किए जाते हैं, उनको पुरातन बताया जाता है और पौराणिक बताया जाता है। इस वीडियो को देखने के बाद आपके दिमाग की घंटी जरूर बजेगी। अगर कुछ नहीं भी समझ में आया हो तो केवल सवाल पूछिएगा, खुद से ही पूछिएगा, तो उसके जवाब मिल जाएंगे या आप ढूंढने की कोशिश तो करेंगे ही। इस किताब को खरीदने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाइए, इस किताब को खरीदिए, पूरी पढ़िए, इसमें बहुत अच्छी रोचक जानकारी दी गई है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा, कुछ प्रोडक्टिव सीखने को मिला होगा। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में जो जानकारी मैंने आपके साथ साझा की है वो आपकी मनोवैज्ञानिक गुलामी को तोड़ने में कुछ हद तक सहायक सिद्ध होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप लोग बहुजन साहित्य को कोई किताब डोनेट करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, वहां से नंबर लीजिए और मुझसे संपर्क कर लीजिए, मैं आपको एक एड्रेस दे दूंगा, उस एड्रेस पर किताब भेज दीजिएगा। अगर आप लोग बहुजन साहित्य की आर्थिक मदद करना चाहते हैं जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके लिए यहाँ स्क्रीन पर मेरे अकाउंट्स की डिटेल आपको शो हो रहे होंगे, उसके माध्यम से आप जितनी चाहें उतनी समर्थन राशि हमें भेज सकते हैं। मैं रजत मौर्य मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में फिर किसी किताब के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें, पढ़ने की आदत को विकसित करें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जोहर।